गोवा में 20 से 28 नवंबर तक आयोजित होने वाले 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्की की शुरुआत ब्रिटिश फिल्म कैचिंग डस्ट से होगी। इस महोत्सव का समापन अमेरिकी फिल्म द फेदरवेट से होगा, जबकि महोत्सव के बीच में तुर्की की फिल्म अबाउट ड्राई ग्रासेस दिखाई जाएगी। नई दिल्ली में मुख्य समारोह से पहले संवाददाता सम्मेलन में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हॉलीवुड स्टार माइकल डगलस को इस वर्ष इफ्की में सत्यजीत रॉय लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। 9 दिन के उत्सव के दौरान 270 से अधिक फिल्में दिखाई जाएंगी। एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र इफी गोवा बना है, जहां अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों से लेकर भारतीय फिल्मों तक प्रदर्शन करने का अवसर, जहां एक और फिल्म के अभिनेताओं को, प्रोड्यूसर डायरेक्टर को मिलता है, तो फिल्म प्रेमियों को भी वो फिल्में का देखने का अवसर मिलता है जो दुनिया में उनको कभी देखने का अवसर नहीं मिला। इंटरनेशनल प्रीमियर, वर्ल्ड प्रीमियर, एशियन प्रीमियर और इंडियन प्रीमियर, ये सभी 3 गुना ज़्यादा इस बार होने जा रहे हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि इफी गोवा कितना पॉपुलर हुआ है।